पंजाब के जेल के अंदर एक बार फिर से भयानक गैंगवार की वारदात देखने को मिली है। लॉरेंस बिश्नोई के दो साथियों को जेल के अंदर ही पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। दोस्तों अब चारों तरफ खलबली मच चुका है। एक तरफ सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सभी फैंस जश्न मना रहे हैं, तो दूसरे तरफ लॉरेंस बिश्नोई के सभी साथी दुख मना रहे हैं, और तीसरे तरफ पंजाब पुलिस के ऊपर लोग कई तरह का सवाल भी उठा रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से पंजाब पुलिस के ऊपर बदनामी का टीका लग चुका है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से जेल के अंदर एक भयानक गैंगवार की वारदात हुई और दो गैंगस्टरों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तमाम मामला का खुलासा करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों ये घटना है 26 फरवरी 2023 की। बताया जाता है रविवार दिन के करीब 3 बजे दो गुटों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाता है। बताया जाता है गैंगस्टर मनदीप सिंह तूफान, गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना और एक और गैंगस्टर होता है जिसका नाम बताया जाता है गैंगस्टर केशव होता है, तीनों मिलकर के दूसरे गुटों के लोगों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। बताया जाता है जेल के अंदर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है कि दूसरे गुट के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी कैदी होते हैं, वो लोग इन लोगों के ऊपर लोहे के रॉड से प्रहार करता है। और बताया जाता है वारदात पर ही गैंगस्टर मनदीप सिंह तूफान और गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना को मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं गैंगस्टर केशव भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बताया जाता है जेल के अंदर गैंगवार होने के बाद तीनों आरोपियों को जेल प्रशासन कड़ी सुरक्षा के बीच सिविल अस्पताल में लेकर जाती है, लेकिन बताया जाता है जब तीनों को अस्पताल ले जाया जाता है वहीं पर गैंगस्टर मनदीप सिंह तूफान और गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना को मृत घोषित कर दिया जाता है। और गैंगस्टर केशव के बारे में बताया जाता है वो फिलहाल बुरी तरह से जख्मी है। दोस्तों अब जिस तरह से पंजाब के गोइंदवाल साहिब जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के दो साथियों को मारा गया है, अब चारों तरफ पूरे पंजाब में खलबली मच चुका है। और केवल पंजाब ही नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी समर्थक चारों ओर एक्टिव हैं, तमाम लोगों के आंखों में एक तरह से मानो कि आंसू आ चुका है। क्योंकि दोस्तों बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाले जितने भी गैंगस्टर होते हैं, इन लोगों का आपस में एक बहुत ही अच्छा सा कनेक्शन होता है, और यदि गैंग में शामिल किसी भी व्यक्ति को कुछ भी होता है तो हर कोई दुख मनाता है। अब बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को बुरी तरह से झटका लग चुका है। और दोस्तों जग्गू भगवानपुरिया भी फिलहाल जेल के अंदर बंद है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी फिलहाल जेल के अंदर ही बंद है। लेकिन आपको बता दें जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के दोनों साथी गैंगस्टर मनदीप सिंह तूफान और गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना को मारा गया है, अब उसके बाद पंजाब पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। बताया जाता है गैंगस्टर मनदीप सिंह तूफान और गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना जो कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में शामिल था, और दोस्तों दोनों के बारे में बताया जाता है इन लोगों ने पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर भी अपराध करा था, और दोनों पिछले कई वर्षों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के लिए काम करता था। अब दोस्तों आपको बता दें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के जितने भी फैंस हैं उन लोगों का ये कहना है कि दोनों का जो मौत हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि दोस्तों सिद्धू मूसेवाला के फैंस का ये कहना है कि इन लोगों ने हमारे सिद्धू पाजी को मरवा दिया। और दोस्तों जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मौत हुआ था तो न केवल पंजाब के लोग शोक मनाए थे बल्कि पूरे भारतवर्ष, पूरे पाकिस्तान, अमेरिका, यहाँ तक कि कनाडा के लोगों ने भी शोक मनाया था। और आपको बता दें सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया था। और अब दोस्तों जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के दो कातिलों को जेल के अंदर ही मार दिया गया है, इसके बाद चारों तरफ से लोग पंजाब पुलिस के सुरक्षा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में शामिल जितना भी आरोपी है उन तमाम आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से गैंगस्टर मनदीप सिंह तूफान और गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना का मौत हुआ है, ये कहीं न कहीं पंजाब पुलिस को एक तरह से बदनाम करके रख दिया है। आपको बता दें चारों तरफ से लोगों का ये कहना है कि पंजाब पुलिस आखिरकार करती क्या है, और जेल के अंदर जब पुलिस वाले होते हैं उसके बावजूद भी गैंगवार हो जाता है, बड़ी बड़ी वारदात देखने को मिलती है, ये कहीं न कहीं पंजाब पुलिस को कलंकित करने से कम नहीं है। और आपको बता दें इस मामले में पंजाब पुलिस अब अच्छे तरीके से छानबीन भी कर रही है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के दोनों साथियों को मारा गया है, तो कहीं न कहीं एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी दुश्मन हैं वो लोग भी जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बीहा गैंग के लोग हैं, लेकिन अब ये पता करा जा रहा है कि पंजाब के गोइंदवाल साहिब जेल के अंदर जो गैंगवार हुआ है, इस गैंगवार में जिस तरह से दो लोगों को मारा गया है, दोनों जो कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी था, तो दोनों को जो मारा गया है, मारने वाला क्या वो लोग बम्बीहा गैंग के लोग थे या फिर किसी दूसरे गैंग के लोग थे, इस बारे में भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों पंजाब के जेलों के अंदर अक्सर देखा गया है कि जेल के अंदर ही भयानक गैंगवार हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि जेल के अंदर ऐसे बहुत सारे कैदी जो कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है,
बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जो कि जेल के अंदर से ही किसी से फिरौती मांग लेता है तो किसी को जान से मारने का धमकी तक दे देता है। दोस्तों साल 2022 में भी देखा गया था पंजाब की जेलों के अंदर गैंगवार हुआ था और गैंगवार होने के बाद पंजाब पुलिस को चारों तरफ से लोगों ने बदनाम करना शुरू कर ही दिया था। और इस बार जिस तरह से पंजाब के गोइंदवाल साहिब जेल के अंदर ताबड़तोड़ झगड़ा हुआ है, इस झगड़ा के बाद दोस्तों चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ हड़कंप मच चुका है। एक तरफ लोगों का ये कहना है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को मारा गया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। दूसरे तरफ जो भी लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक हैं उन लोगों के लिए ये दुख का खबर है। और तीसरे तरफ पंजाब पुलिस अब अपने आप को कलंकित होने से कैसे बचा पाती है, ये भी एक अहम सवाल होगा लोगों का। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं आखिरकार आगे क्या होता है। फिलहाल बताया जाता है गैंगस्टर केशव का जांच पड़ताल करा जा रहा है, केशव से भी पूछताछ करा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों तीनों में एकमात्र केशव ही जिंदा है। तो केशव से पूछताछ करा जाएगा आखिरकार जेल के अंदर ये लड़ाई हुआ क्यों, और जिन लोगों ने भी दोनों गैंगस्टरों को मौत के घाट उतारा है अब उन लोगों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर यही थी कि जेल के अंदर गैंगवार हुआ और गैंगवार के बाद चारों तरफ लोग पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आगे यदि आप लोगों को कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी दोस्तों हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना। कभी भी किसी भी आपराधिक खबर को सुनने के बाद आप उस तरह से करने का कोशिश ना करें, कभी भी किसी भी अपराधी से दोस्ती ना करें, अच्छा काम करें, अच्छा रास्ता चुने। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद दोस्तों।